नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोई और काले चने की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही टेस्टी और अंदर से सॉफ्ट बन करके तैयार होता है, जिसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, फुल रेसिपी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे पोई साग ली हूँ। यहाँ पे मैं पोई साग 300 ग्राम ली हूँ। हमें अच्छे से इसकी पत्तियाँ निकाल लूँगी। वैसे तो इसकी डंठल की भी सब्जी बनती है, मैं उसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। इस तरह से मैं पोई साग की पत्तियाँ तोड़ के निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके का ये साग होता है, जो कि बहुत ही यमी होता है। इसकी पत्तियाँ ऐसे मैं इसे धो करके अच्छे से पानी निथार के और फिर बारीक काट लूँगी। इस तरीके से मैं छोटी छोटी बारीक से काट ली हूँ। और यहाँ पे मैं एक कटोरी चने ली हूँ, काले चने, जिसे मैं रात में भिंगो करके रख ली थी। उसके बाद एक मैं मिक्सी जार ली हूँ, जिसमें रात के भिंगोए हुए एक कटोरी काले चने डाल लूँगी। और यहाँ पे मैं 4 से 6 कलियाँ लहसुन की लूँगी, और 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च लूँगी, और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लूँगी। और सभी को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। इसमें हल्की सी मैं यहाँ से 2 से 3 चम्मच पानी मिला रही हूँ, जिसे पीसने में आसान होती है। ये देखिए, एकदम इसकी एक बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। फिर मैं सारे बाउल में निकाल लूँगी इस पेस्ट को, और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मिक्सी में ही छोड़ दूँगी इस काले चने और के पेस्ट को। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच अदरक लूँगी। ये मैं ग्रेवी की मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे 10 से 12 लहसुन लूँगी, 2 हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च लूँगी। आप अपने अनुसार से मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 प्याज ले रही हूँ और 1 टमाटर ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही लूँगी, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी चम्मच छोटी है, इससे मैं 2 ली हूँ। 2 टेबल स्पून दही ले रही हूँ, जिससे हमारी ना ग्रेवी की टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही क्रीमी बन करके तैयार होगी। अब मैं इसे अच्छे से बारीक पीस लूँगी। अब मैं ये सारे जो मसाला है उसे मिक्सी पॉट से निकाल करके एक बाउल में रख लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो मैं चने की पेस्ट बना करके तैयार की थी, उसमें सारे पोई साग को मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये पत्तियाँ खुद से पानी छोड़ती हैं। अब मैं इसे डाल करके सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून बेसन डाली हूँ। आपको यदि लगे कि 2 टेबल स्पून में अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, तो आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब ये सारे नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। आप अपने मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार से डाल लीजिए और सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, जिससे हमारा ये बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पे स्टीम करने के लिए एक जाली ले रही हूँ, जिसमें मैं ऊपर से फॉइल पेपर डाल दूँ। आपके पास जो भी स्टीमर होगा उसमें कर डाल दीजिए, या थाली होगा तो थाली में डाल करके उसको स्टीम कर दीजिए। नीचे अच्छे से ग्रीसिंग कर दीजिए ऑयल से। अब मैं इसे स्पैचुला की सहायता से फ्लैट कर रही हूँ, और मैं एक कढ़ाई में पानी उबालने के लिए रख दी हूँ। जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें मैं डाल दूँगी काले चने और पोई के पेस्ट को। अब मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम पे रखूँगी। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, जिसमें 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 1 ली हूँ। ये सभी को अच्छे से भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं एक प्याज बारीक काट करके डालूँगी। जब बारीक प्याज सुनहरा हो जाए तो मैं यहाँ पे जो मसाला का पेस्ट बना करके तैयार की हूँ उसे डाल दूँगी और अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे मैं छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार से डालिए। तीखी पसंद करते हैं तो ज़्यादा लाल मिर्च डालिए, नहीं तो जैसा आप तीखी पसंद करते हैं उस अनुसार से लाल मिर्च डालिए। मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अपने नमक स्वाद अनुसार जिससे डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल दूँगी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और सभी को अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पानी उबलने के लिए तैयार कर रही हूँ। अब ये मसाला मेरा अच्छे से भून के तैयार हो गया। मैं ग्रेवी में पानी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, उबला हुआ पानी डालने से ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। यहाँ पे मेरा जो ये पोई और काले चने का ये है वो स्टीम होकर के तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद आप मनचाहा शेप में काट लीजिए। मैं इस शेप में काट रही हूँ, डायमंड शेप में काट रही हूँ। आपको स्क्वायर ये पसंद है तो स्क्वायर शेप में काट लीजिए। अब मैं एक तवा चढ़ाऊंगी और उसमें थोड़ी सी ऑयल डालूंगी। ऑयल डाल के सारे को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, विश्वास मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक आगे पीछे पलट के इसे अच्छे से भून लूंगी। ये फ्राई हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बना है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ग्रेवी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें सारे पीसेस को डाल दूंगी। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच में उबलने छोड़ दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी पोई और काले चने के साग की तैयार हो गई है। आप इसे फ्रेंड ज़रूर से ट्राई कीजिए, घर में ट्राई कीजिए, फैमिली में बनाइए, सब लोग बहुत ही पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट बनकर के हमारी पोई और काले चने की साग की सब्जी बनकर के तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।